violence. I don't like it. I avoid it. But violence likes me. I can't avoid it. May I come in? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए उदयपुर, डोंगरपुर, हिम्मतनगर गेज कन्वर्जन की जानकारी लेके आए हैं। आपको बताते चलें कि अहमदाबाद से डोंगरपुर के रास्ते उदयपुर तक अमान परिवर्तन का काम पूरा हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस रेल रूट की ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आपके सामने आए हैं। आपको पता ही होगा कि जब भी कोई नया रेल मार्ग बनता है तो क्षेत्र के लोग नई ट्रेन शुरू होने की आस लगाते हैं। उदयपुर, डोंगरपुर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद गेज कन्वर्जन का काम भी पूरा हो चुका है। अब न्यू ट्रेन शुरू होने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है। रेलवे भी प्लान कर रही है कि न्यू ट्रेन को शुरू किया जाए, लेकिन कुछ परेशानियां आ रही है। क्या परेशानी है, आइए आपको वीडियो में पूरी जानकारियां विस्तार से बता देते हैं। आपको बताते चले कि न्यू ट्रेन को शुरू करने के लिए रेलवे ने मंथन करना शुरू कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे इस रेल रूट पर सुबगाहट जोन में की जा रही है। हालांकि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन कौन सी न्यू ट्रेन इस रेल लाइन परियोजना में शुरू की जाएंगी। आपको बताते चलें, उदयपुर, डोंगरपुर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद गेज कन्वर्जन ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेल परियोजना है। हालांकि इस परियोजना का काम काफी धीमी गति से किया गया। 298 किलोमीटर लंबी इस रेल परियोजना में फिलहाल जून 2022 की रिपोर्ट के अनुसार जो काम हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले हम आपको बताते चले, इस पूरे सेक्शन में बस एक सेक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है जो खरवा चंद से जयसमंद तक जाता है। इस सेक्शन में काम जारी है। हालांकि इस सेक्शन में ट्रैक बिछाने का काम पूरा हो चुका है, बस अभी अंतिम चरण का काम बाकी है। काम पूरा होने के बाद रेलवे द्वारा इस सेक्शन का CRS किया जाएगा। CRS की डेट रेलवे द्वारा निर्धारित नहीं की गई है। जब तक रेलवे रूट का काम 100% नहीं हो जाता, जब तक CRS नहीं होता है, यानी कि जिस सेक्शन का काम जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा CRS वहन नहीं होगा। ट्रैक कंप्लीट होने के बाद रेलवे को इन्फॉर्म करना होता है कि सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, आप CRS कर सकते हैं। उसके बाद रेलवे द्वारा CRS किया जाता है। इस रेल लाइन परियोजना में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था लोगों में कि ये इलेक्ट्रिक लाइन है या डीजल लाइन। तो आपको बताते चलें कि रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि ये डीजल रूट रहेगा। इस परियोजना में जो 3 सुरंग है जिसका काम अभी लंबित है, रास्ते में पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशनों को बनाया जा रहा है। हालांकि अभी अंतिम चरण देने में कुछ महीनों का समय और लगेगा। आपको बताते चलें कि इस परियोजना में कौन कौन सी ट्रेन को शुरू किया जाएगा, ये सवाल सभी के मन में है। आपको बताते चलें कि रेलवे के द्वारा अभी सिर्फ मंथन किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोई भी लिस्ट ट्रेन की अभी तक नहीं बनाई गई है। ओवरऑल देखा जाए तो रेलवे ने अभी सिर्फ मंथन करना शुरू किया है। हालांकि क्षेत्र के लोगों के द्वारा कई मांग की जा रही है ट्रेनों के परिचालन हेतु। क्षेत्र की जनता के द्वारा जो मांग की जा रही है वो कुछ इस प्रकार से है। इनमें जो कंफर्म ट्रेन है वो उदयपुर अहमदाबाद इंटरसिटी ट्रेन है। इस ट्रेन का चलना लगभग तय माना जा रहा है। रेलवे की बैठक 2020 और 2021 में इस ट्रेन के परिचालन हेतु सहमति दी गई थी। इनके अलावा कई ट्रेन के एक्सटेंशन किए जा सकते हैं इस रेल परियोजना में, लेकिन रेलवे द्वारा एक्सटेंशन को लेकर किसी भी प्रकार का नहीं बताया गया है। क्षेत्र की जनता चाहती है कि मुंबई, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, नागपुर के लिए ट्रेन को शुरू किया जाए ताकि क्षेत्र के लोग बड़े शहरों से जुड़ सकें और आने जाने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हालांकि रेलवे द्वारा अभी किसी भी प्रकार की कोई भी नई ट्रेन की लिस्ट इस रेल लाइन परियोजना की जारी नहीं की गई है। जैसे हमको इस रेल लाइन परियोजना की किसी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी, हम वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसे लगे और क्या है आपका सुझाव। मिलते हैं वीडियो में।